हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी और हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिन से हमारे करंट अफेयर छूट गए थे, तो मैंने उनको भी कवर करने की कोशिश की है। और इसके बाद फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की भी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर रेडी हो जाइए, देख लेते हैं आज हम सबसे पहली न्यूज़ क्या है। अगली जो न्यूज़ है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में है। इसको रूसा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में आई थी। और इसका मकसद ये होता है कि जो हर एक स्टेट रहता है ना, कोई भी स्टेट है, वहाँ पे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको पैसे वगैरह देते हैं, ताकि वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, उनको मॉडर्नाइज़ किया जा सके और वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारा जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव में, जैसा कि मैंने बताया, हायर एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, हर एक आदमी की वहाँ पे एक्सेस हो सके, है ना, ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए ये रूसा स्कीम चलाई जा रही है। इसमें क्या होता है, जो पुराने इंस्टीट्यूट रहते हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाता है और कुछ नए एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी खोले जाते हैं, और फिर उन पर रिसर्च एजुकेशन चलाई जाती है, ताकि हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, है ना। इसके कंपोनेंट में यही बातें की गई हैं कि कुछ नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जो पुरानी हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज रहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दी जाती है, जो फैकल्टी हैं उनके रिक्रूटमेंट में और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात की गई है, जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए जो भी स्कीम चल रही थी, अब वो रूसा के तहत सब्ज्यूम हो जाएंगी। और हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी, है ना, इसी में शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी कंट्री में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, है ना, हर एक स्टेट के, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है और उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। अब जो रूसा में जो फंडिंग दी जाने वाली है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो इसमें ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो हमारा 60-40 का रेशो होता है वो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% पैसा देगी और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रहते हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले जो स्टेट्स रहते हैं, उनको 90-10 का रेशो है, और ऐसी यूटी जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं होता, वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। दूसरी बात, ये जो पैसा है वो डायरेक्टली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को नहीं दिया जाता, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है सबसे पहले वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी को पैसा देगी, और वहाँ से वो पैसा हर एक स्टेट की जो हायर एजुकेशन काउंसिल रहती है वहाँ पर फॉरवर्ड होगा, और फिर इसके बाद पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। और कोई भी जो स्टेट है, सबसे पहले उसको अपना हायर एजुकेशन का प्लान दिखाना होगा, उसी बेस पर फंडिंग दी जाती है। तो इसके लिए आपको पूरा प्लान दिखाना रहता है कि आप किस टाइप से चेंजेस लाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये था हमारा रूसा के बारे में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको पैसे वगैरह देके उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, है ना, कुछ नई बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, कुछ जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ताकि सब तक बहुत आसानी से पहुँच हो जाए और उनमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है और उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारा जाएगा। तो ये था हमारा रूसा के बारे में, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आयुष्मान भारत के बारे में है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, ये जो स्कीम है ये इस बार के बजट में लॉन्च की गई है, तो ध्यान से सुनिएगा, पूछी जा सकती है। इस बार का जो गवर्नमेंट ने बजट लेके आई है उसमें ये नई स्कीम लाई गई है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। सबसे पहला तो इसकी मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसके बाद जो पुरानी स्कीम चल रही थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों जो स्कीम हैं वो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन जो मिशन है उसके तहत अब ये स्कीम सब्ज्यूम कर ली जाएंगी। इस स्कीम में होने वाला क्या है, इस स्कीम में जो 10 करोड़ फैमिली हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वनरेबल हैं, तो उनको 5 लाख रुपए पर फैमिली दिया जाएगा, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। हर फैमिली को, 10 करोड़ जो फैमिली हैं उनको 5 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। अब मान लीजिए कोई फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो वो हर एक को 5 लाख का रिस्क कवर दिया जा रहा है, उनको इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है। और इसमें जो वीमन हैं, चिल्ड्रन हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको स्पेशली कंसिडर किया जाएगा। कोई भी जो पुअर और वनरेबल फैमिली हैं उनको सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस होता है उसके थ्रू ऐसी फैमिली को सिलेक्ट किया जाएगा, 10 करोड़ फैमिली को, और फिर उनको 5 लाख रुपए का
आपको हेल्थ कवर दिया जाएगा कि आप कोई भी हेल्थ की इस कंडीशन में फंसते हैं, एडवांस स्टेट भी होती है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। और इसमें एक बात और भी है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आप वहाँ पर भी ये इलाज करा सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं, सॉरी 10 करोड़ फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाने वाले हैं हर साल के लिए, है ना। फिर इसमें बहुत सारी दुनियादारी की बातें की गई हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा, तो कचरे बीनने वाले और किसी के घर पर कच्चा मकान है, पक्का मकान है, इस टाइप की बातें की गई हैं जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं है। लेकिन आप इनको एक नज़र रीड कर लीजिएगा। बाकी कोर पॉइंट इस स्कीम का बस इतना ही था, है ना, कि 10 करोड़ फैमिली को 5 लाख रुपए पर ईयर देने वाले हैं, और जो वीमेन चिल्ड्रन और जो एल्डर रहते हैं फैमिली के, उनको स्पेशल कंसीडर किया गया है। सबसे पहले उनके ट्रीटमेंट की वकालत की गई है, और जो ऐसी फैमिली है उनको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है। देखिए, गवर्नमेंट क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 8 स्टेट हैं वहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए वेरियस स्कीम चला रही है, तो ये भी उसी के तहत एक स्कीम है। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, है ना, 2020 तक के लिए, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप किया जा सके, लोगों में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, लोगों की इनकम बढ़ाई जा सके, है ना। तो देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लोगों की इनकम बढ़ाना है, और तीसरा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। तो इसके तहत गवर्नमेंट क्या है, वहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है। सबसे पहला ये है कि सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट, है ना। जो वहाँ पे कोई भी नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यदि आप कोई भी एंटरप्रेन्योर है, यदि वो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 5 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी, है ना। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो बंदे हैं, यदि वो कोई भी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, कोई प्लांट मशीनरी शुरू करते हैं, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 5 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव देगी। दूसरी बात, सेंट्रल इंटरेस्ट इंसेंटिव, है ना। तो ऐसे में क्या है कि यदि आप बैंक से जो लोन लेते हैं, तो शुरुआती 5 साल के लिए गवर्नमेंट उसमें आपको 3% के रेट से ब्याज दिलवा देगी। ब्याज दिलवा देगी इन द सेंस, मतलब आपको इतने कम रेट पे जो बैंक हैं उनसे क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी जो है इंटरेस्ट वो सब गवर्नमेंट डील करेगी। तीसरा है कि इंश्योरेंस इंसेंटिव, ऐसे में यह है कि शुरुआती 5 साल के लिए गवर्नमेंट 100% इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका रीइंबर्समेंट आपका गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, जो भी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, तो शुरुआती 5 साल के लिए उसका 100% इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो गवर्नमेंट डील कर लेगी उसके लिए। GST में छूट दी जाएगी और इनकम टैक्स में भी छूट दे दी जाएगी शुरुआती 5 सालों के लिए। तो ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉयमेंट है ना, इनकम जनरेशन के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए, ये 2008 में बनाई गई एक ऑटोनॉमस नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट था। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो भारत के बाहर रहने वाला जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के लोग हैं जो कि बाहर बस गए हैं, वो अपना पैसे का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं भारत की जो भी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस के लिए फंडिंग वगैरह ओवरसीज़ जो इंडियन देते हैं वो इस बॉडी के थ्रू देते हैं। इसका नाम है इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन। फिर से बोलता हूँ, भारत के बाहर जो बसे हुए भारतीय हैं, है ना, जो ओवरसीज़ इंडियन हैं, वो भारत में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो स्कीम चल रहे हैं, उनके लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी इच्छा से जो भी पैसा भेजें, है ना। मेजॉरिटी में गवर्नमेंट दो प्रोग्राम पे फोकस किया हुआ है, एक तो आपका NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और स्वच्छ भारत मिशन, है ना। तो ये जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, इसमें जो ओवरसीज़ इंडियन हैं वो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी किसी पर्टिकुलर स्कीम में जो ओवरसीज़ इंडियन हैं वो फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये 2008 में एक ऑटोनॉमस नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट था, ठीक है, जिसके थ्रू ये सारा काम किया जा रहा था।
अभी गवर्नमेंट इस बॉडी को बंद करने का सोच रही है, ऐसा क्यों? क्या है कि जो आपका IDF है, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन फॉर ओवरसीज इंडियन, तो ये जो बॉडी है अब इसका भी जो खर्चा पानी है वो इंडियन गवर्नमेंट उठा रही थी। कहने का मतलब ये है कि जो IDF है आपका, इसका जो ऑपरेशनल एक्सपांसेस है ना, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी जो खर्च पड़ता है वो सब इंडियन गवर्नमेंट उठा रही है, और जो ग्रांट नेड हमको मिल रहा है उससे हम लोग कोई पैसा डिडक्ट नहीं करती है इंडियन गवर्नमेंट। दूसरी बात यह है कि ये जो बॉडी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक एक्ट आया था, तो फॉरेन से जो भी फंडिंग होती है उस पर काफ़ी सारे टर्म्स कंडीशन अप्लाई होते हैं, तो जो ओवरसीज़ इंडियन जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो भी FCRA के रूल्स रेगुलेशन से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि 2008 से 2015 के बीच में गवर्नमेंट को इसमें केवल 36 लाख रुपये आए हैं, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल दिमाग निकल गया इस बात पे से, ठीक है। फिलहाल मुद्दे की बात बस इतनी है। IDFOI ध्यान रखिएगा, है ना, आपका इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन क्या होती है, बंद कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, बंद करी जा रही है, लेकिन क्या था, जो ओवरसीज़ इंडियन है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय लोग हैं वो भारत के विकास के लिए पैसा भेजते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट अब इस बॉडी को बंद करने जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत किया जा रहा था। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में है। 27 सितंबर टूरिज्म डे के दिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, ये तीनों मिलके कोलोबरेट कर रहे हैं इस स्कीम के लिए जिसका नाम है अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट। अब ये जो स्कीम है इसमें क्या है कि जो आपके हेरिटेज साइट्स रहती हैं, मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने पर ध्यान दिया जाता है फेज़ वाइज मैनर में। कैसे होता है, ये जो साइट्स रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें टूरिस्ट फ्रेंडली उनको बनाना है, तो उनकी बिडिंग की जाती है, और जो कोई बंदा, जो कोई कंपनी, ठीक है, जो कोई, ठीक है, तो वो जो इस बिडिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं वो इधर पे जो आपकी साइट है उस पर्टिकुलर जगह पे एमिनिटी डेवलप कर देते हैं, उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बना देते हैं, ठीक है, और उसका जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो कुछ भी खर्चा पानी है वो सब कुछ भी ये जो मॉन्यूमेंट मित्रा रहते हैं ये सब ये देख रेख करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इंडिविजुअल है, वो एक जो टूरिस्ट लोकेशन है ना, वहाँ पे ये सारी सारी फैसिलिटी अवेल करा देते हैं, तो इस तरीके से हमारी जो पर्टिकुलर साइट है वो डेवलप हो जाती है। तो ये था हमारा अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। सिंपल सा मतलब इतना है, इसमें कोई भी जो PSU है, इंडिविजुअल है, ये कोई भी जो आपकी हेरिटेज साइट है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसका मेंटेनेंस करके रखते हैं ताकि वो टूरिस्ट फ्रेंडली हो जाए और उसके पोटेंशियल को हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो ये था हमारा अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तीनों के कोलोब्रेशन से ये स्कीम चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो कर्नाटक से है। जो लिंगायत कम्युनिटी है उसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस दे दिया है। फिर से बोलता हूँ, लिंगायत कम्युनिटी को कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस दे दिया है, और जो वीरशैव कम्युनिटी रहती है वो आपके लिंगायत कम्युनिटी के अंडर रखे गए हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में ज़रा देख लेते हैं, क्या होते हैं लिंगायत और क्या होते हैं आपके वीरशैव। देखिए, 12th सेंचुरी में एक सोशल रिफॉर्मर हुए जिनका नाम था बासवंत, उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी दी, तो ऐसे लोग जो कि बासवंत और उनकी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं वो लिंगायत कहलाते हैं, और जो लिंगायत रहते हैं ये अपने गले में एक इष्टलिंग को गले में धारण करते हैं। दूसरे होते हैं वीरशैव, वीरशैव जो रहते हैं ये लॉर्ड शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, इनकी अपनी प्रैक्टिसेस रहते हैं, हिंदी माइथोलॉजी में जो भगवान शंकर का वर्णन है, लॉर्ड शिवा का जो वर्णन है ये उसको फॉलो करते हैं, जबकि जो लिंगायत होते हैं वो जो वासवंत हैं, है ना, उनकी उनको फॉलो करते हैं और उनकी फ़िलॉसफी को
फॉलो करते हैं, ये इनमें मेजर डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा कि वीरशैव शंकर जी को पूजा करते हैं, जबकि लिंगायत है ना इष्टलिंग धारण करते हैं लेकिन वो बसवंत को फॉलो करते हैं। जो आपके वीरशैव होते हैं वो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलते हैं। चलिए थोड़ी सी बात हम बसवंत के बारे में भी कर लेते हैं। जो बसवंत थे वो 12th सेंचुरी के एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये बुद्धा के बाद आए थे। कंटेम्प्रेरी टाइम में बसवंत ने सोशल और रिलीजियस रेवेलियन चलाया अगेंस्ट ब्राह्मिनिकल हेजमनी। देखिए क्या हुआ कि जो वैदिक टाइम था उस समय जो ब्राह्मण लोग थे उनकी बड़ी दादागिरी चल रही थी और वो लोग जैसा बोल रहे थे वैसे ही पब्लिक फॉलो कर रही थी। तो ऐसे में इनकी हेजमनी को कम करने के लिए ये बसवंत ने सोशल रिफॉर्मर चलाया। इन्होंने बोला कि वर्क इज़ वर्शिप, है ना, काम ही पूजा है। इन्होंने वीमन के लिए इक्वल स्टेटस की बात की। इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, जो फिलॉसफी थी, वो सब कन्नड़ भाषा में रखी ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सकें और इनकी थ्योरी को समझ सकें। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन वासवन के ऊपर भी आ सकता है, आपके लिंगायत के ऊपर आ सकता है या फिर वीरशैव के ऊपर आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो सात प्रोग्राम के बारे में है, SATH 7, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, SATH 7, ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल कुछ नहीं, हम लोग होते हैं, है ना, जो भी इंडिविजुअल होता है, जो भी आदमी लोगों का ग्रुप होता है वही ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अब जो ह्यूमन कैपिटल है यदि उसमें स्किल है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, उसकी अच्छी हेल्थ है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल, डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। और यदि ह्यूमन कैपिटल के पास स्किल नहीं है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ऐसा ह्यूमन कैपिटल अंडर डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अब ये जो सात स्कीम है इसमें ह्यूमन कैपिटल है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, उसको और ज़्यादा डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल बनाना है सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल मैनर मतलब कोई भी डेवलपमेंट की ऐसी प्रोसेस जिसमें आप जिसके माध्यम से डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको नष्ट नहीं करेंगे। सस्टेनेबल मैनर में हमको ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका सात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये था हमारा सात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है उनको डेवलप करने की बात की जाती है इस स्कीम में सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है। अब इसके लिए होता क्या है, जो वेरियस स्टेट हैं वो उनकी जो जो प्रोग्राम चलाने वाले हैं उनके पास जो रोड मैप होता है वो नीति आयोग के पास लेके जाते हैं वेरियस स्टेट, ठीक है। फिर नीति आयोग कुछ पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट करता है कि ठीक है इधर पे हम ह्यूमन कैपिटल का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और फिर नीति आयोग जो स्टेट मशीनरी रहती है, ठीक है, उनके साथ कोलोबरेट करके वेरियस इनिशिएटिव चलाती है ताकि ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके। तो ये था हमारा सात प्रोग्राम के बारे में, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ, एक नया मुद्दा आया है जो कि है सात, SATH, और अब इसमें ई और ऐड हो गया है, SATH ई प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो नीति आयोग है वो जो सात प्रोग्राम है उसमें एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, तो जो ई है एक्स्ट्रा वाला वो एजुकेशन के लिए है, ठीक है। तो अब जो तीन नए स्टेट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कि जैसे आपका झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, तो ये स्कूल एजुकेशन के मामले में रोल मॉडल स्टेट बनने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रोड मैप 2018-20 तक काम करेगा, और इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं, जो स्कूल एजुकेशन रहती है एजुकेशन पर फोकस करने वाले हैं, उसके डेवलपमेंट की बात की जा रही है सात प्रोग्राम में, ठीक है। वेरियस टाइप के इसमें इनिशिएटिव लिए जाएंगे ताकि जो एजुकेशन है एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन हो गई और जो सेकेंडरी लेवल की स्कूल एजुकेशन हो गई एक कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्टेट में, मैंने बताया आपका मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तो इधर पे एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम चला रहा जा रहा है सात और ई इनिशिएटिव। तो ध्यान रखिएगा, बाकी बातें काम की नहीं है, जो
मुद्दे की बातें थी वो मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो ट्राइबल डायरीज़ के बारे में है। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राइबल डायरी। अब ये ट्राइबल डायरी में होने वाला क्या है, जो ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए जो भी वेरियस स्कीम चल रही हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी जो ऑफिशियल रहते हैं वो ऐसे ट्राइबल एरिया में विज़िट करने जाते हैं और फिर वहाँ से फीडबैक लेके आते हैं, तो ये सारी जानकारी भी इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी फ़ोटोग्राफी, वीडियो, रिपोर्ट वगैरह ये सारी बातें उस पर अपलोड कर दी जाती हैं, तो इससे पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया जा सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। तीसरी बात, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं उनकी फंडिंग कर रही है, तो उनको भी मॉनिटर किया जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, ट्राइबल डायरी के थ्रू। तो थोड़ी सी बात हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में कर लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये जो स्कूल हैं जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनके भले के लिए, उनके और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए ये इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाते हैं और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। 1998 में एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं ये शुरू किए गए थे। सबसे पहला जो स्कूल है वो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, ठीक है। फिर अब जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं 2010 में इनकी गाइडलाइन आई और उसके तहत ये बात की गई कि कोई भी जो एरिया है जहाँ पे 50% पॉपुलेशन एसटी की है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं। फिर इन स्कूल में फिर आपका हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है, सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कितना रुपया कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये भी काम की बात नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन को डील करने के लिए, उनको अच्छे लेवल पे एजुकेशन देने के लिए ये जो मॉडल स्कूल हैं ये सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये स्कूल डेवलप किए जाते हैं, जहां पर ऐसे एरिया में ये स्कूल खोले जाते हैं जहां पे 50% पॉपुलेशन एसटी होना चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो वरुणा 18 के बारे में है। तो ध्यान रखिएगा जो वरुणा 18 है ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रेंच की जो नेवल आर्मी है, ठीक है, उनके बीच में हुआ है। कहाँ पर? गोवा कोस्ट पे। ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस की दोनों की मिलके ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुणा 18, जो कि गोवा कोस्ट में अरेबियन सी पे हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको, वरना 18 लास्ट बार की गोवा फ्रांस में हुई थी और इस बार ये इंडिया में हो रही है, वरना 18। चलिए आगे चलते हैं। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट की स्कीम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकंड एडिशन ऑफ स्लम दौड़ के बारे में है। तो देखिए, अभी जो स्लम युवा दौड़ है उसका सेकंड एडिशन लॉन्च हुआ। ये अडॉप्ट स्लम कैंपेन का एक पार्ट है। अडॉप्ट स्लम कैंपेन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट और नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। अडॉप्ट स्लम कैंपेन में क्या होता है कि जो स्लम रहती है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और फिर उसके डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। ये जो दौड़ थी इसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि आपका नेशनल सर्विस स्कीम हो गई आपकी, इसके बाद पब्लिक स्कूल्स हो गए, RWA मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रोटरी क्लब, इन सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो थोड़ी सी बात हम नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में भी कर लेते हैं। तो ये जो नेहरू युवा केंद्र संगठन थे, ऐसे ये जो केंद्र हैं ये 1972 में सेटअप किए गए थे। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ग्रास रूट लेवल पे जो यूथ का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा इसको ओवरसी किया जाता है, इन पे नज़र रखी जाती है, इसके अंडर ये वर्क करते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये जो युवा केंद्र संगठन होते हैं इसमें जो यूथ होते हैं वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके द्वारा उनका खुद का जो मतलब यूथ हैं उनका यूथ का एम्पावरमेंट की जाती है, उनको पर्सनैलिटी और स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। फिर से बोलता हूँ, नेहरू युवा
केंद्र जो संगठन हैं ये 1972 में शुरू किए गए थे, हमारे इंडिया के ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला यूथ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंडर आता है, और इसमें क्या रहता है, जो यूथ रहते हैं वो वेरियस डेवलपमेंट जो एक्टिविटी रहती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके माध्यम से उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलता है, उनमें वॉलंटियरिज्म की भावना आती है और ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी और स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये था हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, अगली जो स्कीम है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के तहत आती है। दूसरी बात यह है कि हमारी कंट्री में जो एथलीट्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें एक टाइप का ये स्पोर्ट स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें पैसे दिए जाते हैं और ये पान इंडिया पे वर्क कर रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसे 1000 एथलीट को सिलेक्ट किया जाता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उनको हर साल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 8 साल तक, ताकि जो उनका टैलेंट है यंगस्टर का, है ना, उनको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, उनका जो टैलेंट है उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि वो इन द फ्यूचर कुछ अच्छा अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा था खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इसमें कुल मिला के कई सारी बातें की गई हैं कि इससे हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर एथलीट है उसके इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया प्रोग्राम 1000 बच्चों को 5 लाख रुपए दिए जाने वाले हैं 8 साल तक, ठीक है, ताकि उनके जो उनमें एथलीट का टैलेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, है ना। और कुल मिला के हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट के लिए इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट इसको ऐसे इकोसिस्टम को तैयार करना चाहती है ताकि और ज़्यादा ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि देश में जो बच्चे हैं वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपको पता होगा कि ओलंपिक वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल हम लोगों को मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट चाह रही है कि थोड़ा सा हम अच्छा अचीव करें, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ये था हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। अगली जो स्कीम है वो नेशनल सर्विस स्कीम है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के तहत आती है। हम सारी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के तहत डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल सर्विस स्कीम क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए। एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर की स्कीम है। इसमें 1969 में ये शुरू की गई थी। क्या होता है इसमें, देखिए, इसमें जो स्कूल रहते हैं 10+2 के जो स्टूडेंट रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, यूनिवर्सिटी रहते हैं, वहाँ पर NSS यूनिट बनाई जाती है, मतलब 100 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया जाता है और जो उनका टीचर रहता है उसको प्रोग्राम ऑफिसर बना दिया जाता है। तो कहीं पर भी जो हमारी कंट्री में डिज़ास्टर की कंडीशन आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो ऐसे में ये जो वॉलेंटियर होते हैं वो एक वॉलेंटरी, मतलब खुद की इच्छा से वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी हेल्प करते हैं। वहाँ पे ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं कि कहीं पे आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कहीं पे साफ़ सफाई हो रही है, ठीक है, क्लीन इंडिया कर रहे हैं, कहीं पे पानी नहीं है तो फिर जो तालाब है उसकी खुदाई चल रही है, ठीक है, कहीं पे ब्लड डोनेशन के कैंप लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं पे फूड डिलीवरी की जा रही है, कहीं पे प्लांटेशन किया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आदमी जो बच्चे रहते हैं वो वॉलेंट्री बेस पे अपनी सर्विस देते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन आता है, यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, सीनियर सेकेंडरी प्लस टू, मतलब जो 12th के बच्चे रहते हैं, NSS की यूनिट रहती हैं, तो ये सब लोग मिलके हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सारे बच्चे काम करते हैं। तो यही कहलाता है आपका नेशनल सर्विस स्कीम। फिलहाल में मुद्दा ये है कि जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड वगैरह दिए हुए हैं, वो तो ज़्यादा बातें काम की नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल सर्विस स्कीम है इसका जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू, मतलब मैं आपको, मतलब सामने वाले फोकस किया जाता है, मुद्दे की बात इतनी है, है ना। ध्यान रखिएगा नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो स्कीम है वो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में है। तो ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के तहत आती है, और इसका जो मेजर पर्पस होता है इस स्कीम का, ये है कि जो हमारी कंट्री में यूथ हैं उनको एम्पावर करना और उनका जो फुल जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से यूज़ करना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। हुआ क्या कि गवर्नमेंट वेरियस स्कीम चला रही थी तो उसने उन सारी स्कीम को मर्ज कर दिया जो कि यूथ से रिलेटेड थी, और एक नई स्कीम बना दी है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम।
हमने अभी डिस्कस किया नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो ये सारी चीज़ें इसमें मर्ज कर दी गई हैं। कई सारी स्कीमें जैसे कि आपका नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कॉर्पस, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एडोलेसेंट डेवलपमेंट, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, है ना। तो ये सारी स्कीम को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम बना दी है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो यूथ हैं उनकी जो एनर्जी है उसको पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए उनको एम्पावर करने की बात इस स्कीम के तहत की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में। अगली जो स्कीम है वो मिशन 11 मिलियन के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत देश का बिगेस्ट स्कूल स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम है। ठीक है, हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम है। इसमें जो बच्चे रहते हैं उनको फुटबॉल को स्पोर्ट ऑफ चॉइस चूज़ करने के लिए बोला जाता है ना, उनको फुटबॉल खेलने के लिए इनकरेज किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे बच्चों में स्पोर्ट हैबिट डेवलप की जाती है, हेल्दी हैबिट डेवलप की जाती है ना, उनमें स्पोर्टमैन की स्पिरिट डेवलप की जाती है, वो टीम वर्क की तरह काम करने लगें। ये सारे जो गुण हैं वो मिशन 11 मिलियन के थ्रू गवर्नमेंट बच्चों में इनकलकेट करने का सोच रही है ना, कि वो टीम वर्क की तरह टीम वर्क करना सीख जाएँ, हेल्दी हैबिट्स सीख जाएँ, है ना, गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल को अपने गेम की तरह लें, इस टाइप से। इसके बाद आगे बात ये की गई है कि इसमें जो स्पोर्ट टीचर हैं और जो पेरेंट्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन सबको इनकरेज किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करें रेगुलर बेसिस पे। इसमें कंट्री के सभी टाइप के जो बच्चे हैं, आपके ऑल ओवर कंट्री से वो बच्चे हैं, लगभग 11 मिलियन जो बच्चे हैं उनको फुटबॉल के लिए इनकरेज किया जा रहा है। तो ये था फिर हमारा दोस्तों मिशन 11 मिलियन के बारे में। जैसे ही आपको 11 मिलियन सुनाई देता है आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये फुटबॉल के बारे में है, इसमें बच्चों को फुटबॉल के लिए इनकरेज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने न्यूज़ डिस्कस की थी रूसा के बारे में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। मैंने बताया था कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में लाई गई थी, और इसमें हम लोग क्या करने वाले थे, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं कुछ नए खोले जा रहे थे और जो कुछ पुराने हैं उनको इम्प्रूव किया जा रहा था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा था ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। मैंने बोला था कि ये स्कीम आईएमपी है, इस बार पेपर में आ सकती है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में हमने बात की थी कि जो पुअर और वनरेबल फैमिलीज रहती हैं उनको गवर्नमेंट ऐसी 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करने जा रही है और उनको हर फैमिली को 5 लाख रुपये पर फैमिली दिए जाने वाले हैं 8 साल तक, ताकि वो अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर जो ट्रीटमेंट होता है उसको प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकें, है ना। सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्राइमरी मतलब आप जो बेसिक क्लिनिक पे करा लें, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे मतलब जैसे जैसे आपकी डिसीज एडवांस होती जाती है, आपको कैंसर हो गया तो ये एक टर्शरी ट्रीटमेंट हो गया। तो ये सारी बातें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में आ जाएंगी और गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपये पर फैमिली पर ईयर तक देने वाली है 8 साल के लिए। सॉरी, फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। मैंने बताया था कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं, गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही है, तो वहाँ का जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और फिर गवर्नमेंट इसमें कई सारे काम कर रही है कि उनको इंटरेस्ट में इंसेंटिव दे रही थी, टैक्स में छूट दे रही थी, है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, ये सारी बातें हमने की थी आपके नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम में। फिर इसके बाद हमने आईडीएफ के बारे में बात की थी, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ऐसा इंडियन डायस्पोरा जो कि बाहर विदेशों में सेटल हो गया है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए मनी का कंट्रीब्यूशन कर सकता है ना, इंडिया डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाउंडेशन ओवरसीज इंडियन। और मैंने इसमें बताया था कि जो दो स्कीम थी आपकी, एक NMCG नेशनल मिशन क्लीन गंगा और स्वच्छ भारत मिशन, मेजॉरिटी में इन पर फोकस किया गया था, और फिलहाल गवर्नमेंट ये जो आपका इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन जो फंड था इसको बंद कर रही है क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल फंडिंग आ नहीं रही थी। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमने इसमें बात की थी कि
जो हेरिटेज रहती है उसके डेवलपमेंट किया जाता है ना। जो PSU रहते हैं, कोई भी जो इंडिविजुअल है, वो मॉन्यूमेंट को हेरिटेज को अडॉप्ट कर लेता है और फिर वहाँ पे उसका डेवलपमेंट किया जाता है, और वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज रहती हैं उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि जो कर्नाटक में लड़ाई चल रही है लिंगायत और वीरशैव के बारे में, तो जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने जो लिंगायत है उनको रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी का टैग दे दिया था। हमने लिंगायत भी डिस्कस किया था, वीरशैव भी डिस्कस किया था। लिंगायत में हमने बताया था कि जो वासवंत थे 12th सेंचुरी में, एक सोशल रिफॉर्मर थे, तो जो उनको फॉलो करते थे है ना, और जो गले में स्त्रीलिंग धारण करते हैं वो लिंगायत कहलाए, और जो शंकर भगवान की पूजा करते थे वो वीरशैव कहलाए। हमने वासवंत के बारे में भी बात की थी कि ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने जो ब्राह्मणिकल हेजमनी थी है ना, जो दादागिरी चल रही थी ब्राह्मण लोगों की, उसको कम करते हुए इन्होंने अपनी फिलॉसफी दे दी थी। इन्होंने कहा था कि काम ही भगवान है ना, और जो भीमन है उनके उनके इक्वल स्टेटस के लिए इन्होंने आगे बात की थी। फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी अपना साथ प्रोग्राम के लिए, हमने बात की थी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सस्टेनेबल मैनर में उसका डेवलपमेंट करना ही साथ प्रोग्राम है। और अभी एक नया प्रोग्राम आया है साथ ई प्रोग्राम, जिसमें मैंने बोला था कि इस बार ये लोग एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। 3 जो स्टेट थे आपके, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वो आपके जो स्टेट थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमने आगे आगे क्या किया था, आगे हमने ट्राइबल डायरीज के बारे में बात की थी। हमने बोला था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था उन्होंने, एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन था। तो जो ट्राइबल एरिया में क्या डेवलपमेंट की पोजीशन है, और जो भी वहाँ पे इंस्पेक्शन किए जाते हैं उनके फोटो वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में भी बात की थी, और मैंने बोला था कि ये जो स्कूल हैं वो 1998 में सेटअप किए गए थे। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक ऐसे स्कूल होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का काम करते हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट रहते हैं उनके सबसे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं है ना, और ऐसे एरिया में खोले जाते हैं जहाँ पर 50% जो पॉपुलेशन है वो ST कम्युनिटी की होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या रह गया हमारा, ठीक है, फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी, फिर हमने स्कीम के बारे में बातें की थी दोस्तों। तो सबसे पहले हमने स्लम दौड़ के बारे में बात की थी, हमने नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में बात की थी कि जो वॉलेंट्री यूथ रहते हैं ना वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद हमने खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश में स्पोर्ट का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जो एथलीट रहते हैं, ऐसे 1,000 एथलीट को हर साल 5-5 लाख रुपए देने वाली है ना, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें और हमको मेडल वगैरह दिला सकें। इसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में, हमने बात की थी नेशनल सर्विस स्कीम में। हमने बोला था कि कहीं पर जो डिजास्टर की कंडीशन आ जाती है, फ्लड आ जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, कहीं पे पेड़ लगाए जाते हैं है ना, तो आदमी अपने वॉलंटरी बेसिस पे जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपका नेशनल सर्विस स्कीम में आ जाता है। इसमें हमने बात की थी कि जो कॉलेज रहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, उनका 100 100 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, उनकी यूनिट बना दी जाती है, और फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी ये सशक्तिकरण के बारे में, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की बात की थी हमने, जिसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट ने जो कई सारी स्कीम है उनको मर्ज कर दिया है ठीक है, यूथ के डेवलपमेंट के लिए। और फिर हमने लास्ट में बात की थी मिशन 11 मिलियन में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जो फुटबॉल है उसको इनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था फिर हमारा आज का डिस्कशन। काफ़ी सारी हमने इसमें आज न्यूज़ डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारी स्कीम भी हैं, आप इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में से कुछ ना कुछ शायद आना चाहिए जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक अपना साथ प्रोग्राम हमने डिस्कस किया, वो बिल्कुल आ सकता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो आ सकते हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम है, वैसे तो UPSC का कोई भरोसा नहीं है, वो पूछ कुछ भी सकती है ना, आर्ट एंड कल्चर में आपका लिंगायत या जो बस वीरशैव हैं इन पे से भी कुछ क्वेश्चन बना सकती है। तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, मिशन 11 मिलियन जो कुछ भी थे है ना। चलिए कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।